हेलो दोस्तों, आज 13 अगस्त 2022 को चंद्रबारी गांव सोनबरसा जो शिव मंदिर है वहां पे चोरी हो गया है दोस्तों। यहां पे आपको हम 12 तारीख के रात को यहीं पे यहां से 4 घंटे और 2 दान पेटी और दुर्गा जी का माला था वो चोरी हो गया है। और चोरों ने क्या किया था कि यहाँ से यहाँ एक वहाँ पर देख रहे हैं आप, एक लकड़ी का दान पेटी है और एक यहाँ पे लोहे का दान पेटी है। तो यह दोनों दान पेटी वहाँ पे जो सोनबरसा का शिव मंदिर है उसी के पीछे पीपल का वृक्ष है उसके लोहा का बाटे उसके नीचे वहीं पर यह काम किए हैं सब, तोड़े हैं सब। तो वो लकड़ी का तो वहीं पर तोड़ दिए सब और यहाँ पर जो बचा हुआ था लोहे का, तो लोहे का उस पर मारे हैं सब, तो लेकिन उस पर असर नहीं हुआ, वो टूटा नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए लोहे का फिलहाल बचा हुआ है और चोरों ने आपका यहाँ से वो घंटे जो था चार घंटे थे वो बड़े बड़े, एक 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 घंटा था फिलहाल 13 किलो 300 ग्राम का था फिलहाल, और 3 घंटे छोटे छोटे थे। और वहाँ से आपका यहाँ से दुर्गा जी मंदिर से आपका यहीं से चोरी हुआ है। मंटिका जो बोला जाता है वहाँ से यहाँ से देख लीजिए चोरा हुआ है। सोमवार के सोमवार के दिन ना आए, जब शाम को सोमवार पछिला रहा तो कल से हम आए सोमवार के दिन आएंगे आए ना था दिन भरों के हम देखनी की आई की ना है। अरे तू कहीं से आ गए साधु मंदिर में पंखा चारों ओर लगल रहते यहू जाइ ले तो तू ऐसे चोरी करके भाग गई ले ये नहीं भैया यहू जो सुतल रहते समय ले आउ जो ना दुर्गा जी का उठुआ वो बंद रहल खुले रहल बंद रहल ताला बंद रहल। अरे भैया चाबिया टांगे ल कहियो त खले रहल उ चाबी उठा के अपन खूब कायदे से काम। हां 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 बात सही है ना। हां हां हम कने के बंद रहल अनजान आदमी ना को पाई कहां चाबिया कहां लगी तो आके घरों गई ना जो शर्मा करके हम भी घरों सीसीटीवी कैमरा लगल बा पूरा खल चोर हुआ। हां हां सुरेंद्र का पूरा गड़िया उड़िया तो सुरेंद्र गड़िया पीछे जीते के वो गड़िया खड़ा के ले ला तो कैमरा में पूरा कैच कर रहा है इनका पूरा द्वारा कैच कर ला। हां मैडम कैमरा हम देख लिए सब जैसे ऑन करिए ना टीविया दिखाई अभी हमको कैमरा लगवाए पड़ी भाई चंदा लगी तभी कैमरा भी सस्ता ना हो तो भैया नहीं नहीं 5000 से स्टार्टिंग बा सुनो देखो भैया कहां का गिरो 5000 से स्टार्टिंग बाटे 2000 लेके 15000। दोस्तों यही है जो पीपल के पीछे का दृश्य जो वहां पे देख रहे हैं, वहां पे दान पेटी पड़ा हुआ है दोनों। यहां पे चलते हैं और देखते हैं कि कहां कैसे क्या है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे दोनों दान पेटियाँ हैं, एक दान पेटी टूटा हुआ है और दूसरा दान पेटी जो लोहे का हुआ बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे दान पेटी एक वो लकड़ी का तो तोड़ दिया सब, और लोहे का जो दान पेटी था उसको उस पर प्रयास किए तोड़ने का लेकिन वो सब वो टूटा नहीं है, टूटा नहीं तो वहीं पर छोड़ के वो सब चले गए हैं सब। देखिए कि आखिर यह चोरी कौन कर रहा है, चर्चा का विषय तो ये है। और लोगों का कहना है कि भाई यहाँ पे जब चोरी का कुटिया में चोरी हुई लगा कुछ मालूम चला कि चोर ने चोरी कर चुका है, बहुत सारे लोग हैं लेकिन लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान जो इस गांव के साथ साथ जो सोनबरसा शिव मंदिर है वह सोनबरसा शिव मंदिर ग्राम सभा में आता है, जिन ग्राम सभा के ग्राम प्रधान वो यहाँ पे अभी तक आए नहीं हुए। तो देखिए क्या होता है। और यहाँ पे तो यहाँ पे जो पुलिस शासन आया था वहाँ पे वो अपना जांच पड़ताल करके गया है।
देखिए यही जो दृश्य है यहीं पे आपका वो बड़ा वाला घंटा था ना वहीं पर यह बना जाता था। यहाँ ये आपको जो मंदिर दिख रहा है वहीं पे, यहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है इसके अंदर, और इसी के अंदर वो जो मैं मंटीका रखा हुआ था वहीं से वो सब चोरी किए हैं सब। और यहाँ आप देख लीजिए वहीं पर घंटा था। देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन ग्राम प्रधान जी का फिलहाल यहाँ पर आगमन अभी तक नहीं हुआ है। एक और सोचना है कि यहाँ पे जो सोनबरसा शिव मंदिर से आपका बिलौली धाम सोनबरसा तक बिलौली तक तिरंगा यात्रा 14 तारीख को होने वाला है 9 बजे से, तो आप भारी से भारी संख्या में आइए और इस तिरंगा की शान बान शान को बढ़ाइए अच्छी तरह से, और तिरंगे में तिरंगा यात्रा में सहयोग दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।